हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है रक्षा चौधरी एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बीएड फोर्थ सेमेस्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप। तो ये दोनों जो टर्म्स है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं या फिर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो क्या ऐसा है? नहीं, ये दोनों टर्म एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं और इन्हीं के बारे में हम आगे जाके इस टॉपिक में जानेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म है वो है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट होता क्या है? इट इज एनी लॉस और एबनॉर्मलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि हमारा आय हो गया, हमारा ईयर हो गया, हमारा लेग्स हो गया। तो इनमें से किसी भी ऑर्गन का लॉस हो जाना, उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट। हमारा तो जो दूसरा टर्म है वो है हैंडीकैप। इट इज़ ए डिसएडवांटेज फॉर ए गिवन इंडिविजुअल दैट लिमिट और प्रिवेंट्स द फुलफिलमेंट ऑफ ए रोल दैट इज नॉर्मल। एज ट्रेडिशनली यूज इम्पेयरमेंट रिफर्स टू ए प्रॉब्लम विथ ए स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। डिजेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन विथ रिगार्ड टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। एंड हैंडीकैप रिफर्स टू ए डिसएडवांटेज इन फीलिंग ए रोल इन लाइफ रिलेटेड टू ए पीयर ग्रुप। तो इससे हम क्या जान पाए? जो हमारा वर्ड जो है, जो टर्म इम्पेयरमेंट, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है बायोलॉजिकल से। जो वर्ड है डिजेबिलिटी, वो किससे रिलेटेड है? फंक्शनल से। और जो वर्ड है हैंडीकैप, वो किससे रिलेटेड है? सोशल से। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस सारे फेनोमेना को। जैसे कि कोई एक पर्सन है, उनका कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उनका पैर काटना पड़ा। तो यहाँ पे जो लेग्स का लॉस हुआ वो हो गया इम्पेयरमेंट। इस इम्पेयरमेंट की वजह से उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई, वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने में, वो हो गया डिजेबिलिटी। और डिजेबिलिटी के वजह से उनकी सोशल लाइफ में जो रोल वो अच्छे से नहीं निभा पाए, वो हो गया हैंडीकैप। जैसे कि उनका पैर जब काटना पड़ा तो उनमें कौन सा डिजेबिलिटी आई? वॉकिंग डिजेबिलिटी आई। और उस डिजेबिलिटी की वजह से वो जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स होता है, वो जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब वो नहीं खेल पाए अच्छे से। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा हैंडीकैपनेस में। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो डिजेबल पर्सन होते हैं, जो इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं या फिर जो हैंडीकैप होते हैं, क्या अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी हम कुछ ऐसे पर्संस का एग्जांपल लेंगे जो अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं डिजेबल होते हुए। पहला जो नाम है वो है अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा इज एन इंडियन माउंटेन क्लाइंबर एंड स्पोर्ट्स वुमेन। सी इज द वर्ल्ड्स फास्ट फीमेल एम्प्यूट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। सी वॉज पुश्ड फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन बाय सम रॉबर्स इन 2011 व्हाइल सी वॉज रेजिस्टिंग देम। एज ए रिजल्ट हर लेफ्ट लेग हैड टू बी एम्प्यूटेड बिलो द नी। जो अरुणिमा सिन्हा थी वो एक स्पोर्ट्स वूमेन थी, लेकिन 2011 में एक ऐसा हादसा हुआ जब उनकी ट्रेन में मुठभेड़ हुई कुछ रॉबर्स के साथ और उन्होंने उनको धक्का दे दिया और उनका जो लेफ्ट लेग है वो एम्प्यूट करना पड़ा डॉक्टर्स को। लेकिन उसके बाद भी वो वर्ल्ड की पहली ऐसी फीमेल एम्प्यूट बनी जिन्होंने क्लाइम करा माउंट एवरेस्ट को। उनका जो एक कोट है वो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करता है, वो है कि सेट योर गोल्स हाई इन लाइफ एंड डोंट स्टॉप अनटिल यू रीच देम। तो दूसरा जो पर्सन है जो डिजेबल होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा जो सक्सेस वो अचीव कर पाए, वो है प्रीति श्रीनिवासन। प्रीति श्रीनिवासन वॉज द कैप्टन ऑफ अंडर 19 तमिलनाडु वुमेन्स क्रिकेट टीम। इवन आफ्टर द अनफॉर्चुनेट स्विमिंग एक्सीडेंट दैट लेफ्ट हर पैरालाइज्ड बिलो द नेक, सी कंटिन्यूज टू इंस्पायर अदर लाइव्स थ्रू हर ऑर्गेनाइजेशन सोल फ्री। वो एक स्विमिंग इंसिडेंट की वजह से उनका जो बॉडी है वो नेक के नीचे से पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना करा सोल फ्री, जो कि दूसरे जो डिजेबल पर्सन होते हैं उनको अलग अलग जॉब्स देने में, जैसे कि कोई वॉकिंग डिजेबिलिटी है किनको, या फिर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट इम्पेयर्ड पर्सन है तो उनको जॉब्स देने में, जैसे कि रेडियो जॉकीज़,
दूसरे अलग अलग रेडियो स्टेशंस के लिए या और वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं ऐसे जो अलग अलग जॉब्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करती हैं। तो यह है स्टोरी प्रीति श्रीनिवासन की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड करती हैं सबको, और वो ये बताती हैं कि कोई भी पर्सन डिजेबल हो, डिफरेंटली एबल हो सकता है, लेकिन उनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। जैसे कि अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इम्पेयरमेंट और हैंडीकैप की। जैसे कि प्रॉब्लम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन कैन रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन मेंटल फंक्शन, और प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ द आइज और ईयर्स कैन रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन द फंक्शन ऑफ विजन और हियरिंग। तो WHO जो है, WHO क्या कहता है कि हैंडीकैप पर्सन हम किसे कह सकते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस ए हैंडीकैप पर्सन टू हैव ए लॉस और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन बींग इन्वॉल्व इन एक्टिविटी एज कम्पेयर टू द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ए हैंडीकैप इज द इफेक्ट ऑफ ए डिजेबिलिटी। इट फोकसेस ऑन ऑब्स्टेकल एक्सपीरियंस्ड बाई पर्सन ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन इन द एनवायरमेंट। और एक एग्जाम्पल लेते हैं डेविड का। डेविड इज ए 4-year-old बॉय हु हैज़ ए फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। डेविड सीपी डेविड सेरेब्रल पाल्सी कॉजेस हिज लेग्स डिफिकल्ट टू मूव। जैसे कि एक डेविड नाम का बच्चा है और उसको सेरेब्रल पाल्सी है और वो 4 साल का है, तो वो सेरेब्रल पाल्सी की वजह से द इनएबिलिटी टू मूव द लेग इजीली एट द जॉइंट्स एंड इनएबिलिटी टू बियर वेट्स ऑन द फिट इज एन इम्पेयरमेंट। तो सेरेब्रल पाल्सी की वजह से वो अपने पैर पे वजन देके वो खड़ा नहीं हो सकता या फिर वो चल नहीं सकता, तो ये हो गया इम्पेयरमेंट। डेविड्स इनएबिलिटी टू वॉक इज ए डिजेबिलिटी। जब वो वॉक करने के लिए एबल नहीं हो पाया तो वो बन गया, वो इम्पेयरमेंट बन गया डिजेबिलिटी। और डेविड सेरेब्रल पाल्सी इज हैंडीकैपिंग टू द एक्सटेंट दैट इट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम फुलफिलिंग ए नॉर्मल रोल एट होम इन प्री स्कूल एंड इन कम्युनिटी। और उस डिजेबिलिटी के वजह से उनकी जो स्कूल्स है घर में है वो जो दूसरे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है वो जो अच्छे से परफॉर्म जब नहीं कर पाते उस डिजेबिलिटी के कारण, तो वो हो जाता है हैंडीकैपनेस। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक गाइस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड थैंक यू मंजू मैम।